प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर आज केरल पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने कोचीन में कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की योजनाओं को बताया और कहा कि हमारा संकल्प भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा कि इसे पूरा करने में केरल के लोगों की बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलकर भाजपा संकल्पों को सिद्धि में बदल रही है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं ओणम के विशेष अवसर पर केरला आया हूं। आप सबको ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ दिन पहले ही भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी का अमृतकाल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर काम करने का है और इसमें केरला के परिश्रमी लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते भाजपा की सरकार बड़े संकल्पों को सिद्धि में बदल रही है। केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, आदिवासी सभी तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने की है। देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की है। भाजपा के नेतृत्व में चल रही केंद्र की एनडीए सरकार केरल के लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। हमारी सरकार देश के हर गरीब को पक्का घर देने का अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केरला के गरीबों के लिए भी लगभग 2 लाख पक्के घर स्वीकृत हुए हैं। मुझे खुशी है कि इसमें से 1,30,000 से ज्यादा घर पूरे किए जा चुके हैं। केरला के जो गरीब परिवार गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज नहीं करा पाते थे, ऐसे 36 लाख मरीजों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना मुफ्त इलाज करवाया है। इससे मेरे केरल के गरीब मरीजों के इतना फायदा हुआ है और गरीब मरीजों के 3,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। आज केंद्र सरकार देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने पर बल दे रही है। इस अभियान का बहुत बड़ा फायदा केरला के युवाओं को यहां नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली बेटियों को होने वाला है। आजादी के अमृतकाल में देश आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा बल दे रहा है। केरला में भी अलग अलग परियोजनाओं पर भाजपा की केंद्र सरकार करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। केरल में केरला की कनेक्टिविटी पर आज जितना केंद्र सरकार फोकस कर रही है वो अभूतपूर्व है। थोड़ी देर बाद कोची मेट्रो और रेलवे से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी होने वाला है। रोड और हाईवे से जुड़े 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट पर आज केरला में काम चल रहा है। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत बीते वर्षों में केरला के गांवों में
3,500 किलोमीटर से अधिक की सड़कें बनाई गई हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ केरला के 37 लाख किसान परिवारों को हो रहा है। उनके बैंक अकाउंट में अब तक लगभग 7,000 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे, इसी कामना के साथ आप इतनी बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पे आकर के स्वागत सम्मान कर रहे हैं। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और फिर एक बार ओणम की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।